बी विटामिन समूह में 8 तरह के विटामिन होते हैं जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल है। बी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है जो शरीर को फैट्स और प्रोटीन का उपयोग करने में मदद करते हैं। ये त्वचा, बाल, आंखों, लिवर को सही रखने में काफी मदद करते हैं। इन सभी में विटामिन B12 की बड़ी भूमिका होती है। सभी बी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं जिसका अर्थ है कि शरीर उन्हें स्टोर नहीं करता। आज के वक्त में बूढ़े लोगों के साथ कुछ युवाओं में भी विटामिन B12 की कमी देखी जा रही है। इसका कारण डाइट हो सकती है। अगर शरीर में B12 की कमी लगातार है तो कई समस्याएं सामने आ सकती हैं और अगर इलाज नहीं कराया जाए तो गंभीर बीमारियां बन सकती हैं। B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। बी विटामिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है जिससे एनर्जी मिलती है। वहीं नर्व सेल्स को सही रखने और DNA RNA प्रोडक्शन में भी मदद करता है। B12 विटामिन B9 के साथ मिलकर काम करता है जिसे फोलेट या फॉलिक एसिड कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। अमीनो एसिड होमोसिस्टीन के ब्लड लेवल को सही बनाए रखने में विटामिन B12, B6 और B9 एक साथ काम करते हैं। होमोसिस्टीन का हाई लेवल हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए B12 की कमी के संकेत जान लीजिए। थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ते जाना, पेट और पाचन संबंधित दिक्कतें, मुंह में दर्द, जलन, छाले या सूजन, हाथों पैरों में जलन महसूस होना, ये सब लक्षण है B12 की कमी के। इसलिए अपने आहार में B12 को जरूर शामिल करें और लगातार ये देखते रहें कि आपके शरीर में B12 की कमी नहीं हो रही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।